आप सभी का हमारे चैनल के एसएस भारतीय संगीत में स्वागत है और हमेशा की तरह आप सभी के बीच बहुत ही प्यारा सा राग। आज हम चर्चा करेंगे राग केदार के आरोह अवरोह पकड़ पे, और साथ ही साथ ये जो प्यारा सा गाना है इस गाने पर भी नोटेशन सहित आप सभी के समक्ष लेकर के आई हूँ, ताकि आप भी इस गाने को गाए बजाएं और राग केदार के आरोह अवरोह पकड़ अच्छी तरह से समझ लें, जान लें, पहचान लें। यह राग कल्याण ठाट से निकलता है और इस राग के अंतर्गत दोनों मध्यम का यूज होता है, यानी तीव्र मा का भी इस्तेमाल होता है और शुद्ध मा का भी इस्तेमाल होता है। इसके आरोह में रे और गा का इस्तेमाल नहीं होता और अवरोह में गा का इस्तेमाल नहीं होता, इसीलिए इसकी जाति औड़प शाड़प मानी जाती है। इस राग का वाद्य स्वर मा और संवाद्य स्वर सा होता है, और इस राग के जो न्यास के स्वर होते हैं सा मा और पा होते हैं। इस राग के अंतर्गत खयाल ठुमरी ध्रुपद कवाली तक भी गाई जाती हैं। इस राग का संप्रकृतिक राग हमीर और कामोद होता है। एक बार इसके आरोह अवरोह पकड़ पकड़ गा लेते हैं, ठीक है? ये गाना घर फिल्म का है और मेरे ख्याल से सभी ने ये गाना सुना होगा, और ऐसा कोई भी संगीत प्रेमी नहीं है जो इतना प्यारा गाना नहीं सुना होगा और गाया भी होगा जरूर, लेकिन आज हम हारमोनियम पर से गाएंगे। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1978 में और इस फिल्म के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। तेरे बिना जिया जाए ना और आजकल पांव जमीन पर नहीं पड़ते, सभी गाने सुपर डुपर हिट हैं। और इस फिल्म के जो म्यूजिक डायरेक्टर थे आरडी वर्मन साहब जी थे, तो बखूबी गाना तो हिट होने ही है। इस फिल्म को फिल्म फेयर बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी हासिल हुआ है। तो अब हम शुरू करते हैं राग केदार पर आधारित ये प्यारा सा गाना, जिसके बोल हैं आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज हैं। तो इस गाने में सबसे पहले बता दूं आपको कि कौन कौन से सुर यूज होंगे। जैसे कि आपको बता दिया इसमें कि सभी स्वर शुद्ध होंगे, लेकिन मा स्वर दोनों मध्यमों का इस्तेमाल होगा, तीव्र मा का भी इस्तेमाल होगा और शुद्ध मा का भी इस्तेमाल होगा। और आप सभी के समक्ष जो और आप सभी के बीच में जो नोटेशन है, उस नोटेशन में जहाँ जहाँ मा तीव्र यूज हुआ है, हम हमेशा की तरह सा मानेंगे इसको। और हमेशा की तरह मैं आपको बताती हूँ कि जब हम इसको सा मानते हैं तो सरगम की सीरीज क्या बनती है। बिगनर्स के लिए मैं फिर से बता रही हूँ, आज सा रे गा मा तीव्र मा पा धा नी सा, सा नी धा पा तीव्र मा शुद्ध मा गा रे सा। ये गाना मंद सप्तक के धा तक पहुंचेगा और नॉर्मल आपका सा तक, ठीक है? तो सीरीज कैसे बनेगी, मंद सप्तक का धा, मंद सप्तक का नी, फिर सा, फिर रे, फिर आपका गा, फिर मा, ठीक, फिर मा के बाद आपका तीव्र मा पा धा नी सा, बस। तो पहली लाइन इसमें कुछ इस प्रकार से आती है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है, ठीक है? तो ये जो राज है इस पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है। सगा मारे सा फिर आपकी आंखों
महके हुए से पहली लाइन इस तरह से आती है, राज है। नेक्स्ट लाइन आती है, आपकी आंखों में कुछ महके हुए से राज है। जहां भी राज है अंदाज है, यहाँ पे आपको ये थोड़ा फास्ट लेना होगा, राज है आपकी आंखों में कुछ। अंतरा देख लीजिए, अंतरे के बोल हैं आपकी बातों में फिर, यहाँ पे जो की का इस्तेमाल है, नेक्स्ट लाइन में इस की का इस्तेमाल थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए, आपकी आंखों में फिर कोई शरारत तो नहीं। तो देखिए किस तरह से गाएंगे इसको। दोबारा से हमें गाना, लेकिन इस पे की शब्द पे इस्तेमाल देखिए कैसे होगा। की का की पर फोकस कीजिएगा, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। ठीक है, तो दोनों की का एक बार देख लीजिए, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। अब दूसरा की देखिए, आपकी बातों में फिर कोई शरारत तो नहीं। फिर नेक्स्ट लाइन आती है, बेवजह तारीफ करना आपकी आदत तो नहीं। सेम लाइन, बेवजह तारीफ करना आपकी देखिए, बस आप मुस्कुराते हो, उन्होंने ये शब्द को लिया है, आपके बदमाशियों के ये नहीं अंदाज है, आपके बदमाशियों के ये नहीं अंदाज है आपके। अगर आप सभी को ये राग का परिचय और इस राग के अंतर्गत ये प्यारा सा गाना अच्छा लगा हो, ये प्यारी सी पोस्ट आपको अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें और शेयर ज़रूर करें। आप सभी के कमेंट्स का मुझे हमेशा इंतज़ार रहेगा। मेरे सभी प्यारे लिसनर्स और जितने भी प्यारे प्यारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको मेरा ढेर सारा नमस्कार और ढेर सारा प्यार। जल्दी ही आती हूँ एक नए गाने के साथ और एक नए राग के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।